हेलो बच्चों, आपका PGPS ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। मैं गायत्री राजन आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 2 बड़माला पढ़ा रही हूँ। आपको इस पाठ का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट करना मत भूलना। चलिए पढ़ते हैं पाठ 2 बड़माला, मिलकर सीखें। नीचे दिए गए स्वर में रंग भरिए। यहाँ पर बड़ा आय लिखा हुआ है, जो खाली है बिना कलर का भरा हुआ है, तो उसमें क्या करना है, कलर करना है। हिंदी भाषा में अनेक वर्ण होते हैं, इन वर्णों से मिलकर ही वर्णमाला बनती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन तथा 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। आइए मिलकर पढ़ें। अनार, आम, इमली, ईक, उपहार, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंगूर, अहा। चलिए पढ़ते हैं स्वर। छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अहा। यह है स्वर। व्यंजन का, कबूतर, खा, खरगोश, गा, गमला, घा, घड़ी, अणा। चा, चम्मच, छा, छाता, जा, जहाज, झा, झरना, अय्या। टा, टमाटर, ठा, ठटेरा, डा, डमरू, ढा, ढपली, अणा। ता, तरबूज, था, थर्मस, दा, दवा, धा, धन, ना, नमक, पा, पतंग, फा, फल, बा, बगीचा, भा, भगत, मा, मलाई, या, यज्ञ, रा, रथ, ला, लड्डू, वा, वन, सा, सल्यम, शा, षटकोण, सा, सपेरा, हा, हलवाई। ईसा से हा तक उसम व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन। छा, क्षत्रिय, त्रा, त्रिभुज, ज्ञा, ज्ञानी, श्रा, श्रमिक। अतिरिक्त व्यंजन। स, सड़क, जो सा उक्का के बीच में अड़ा है तो क्या है, अड़ा, अतिरिक्त व्यंजन। पा, पाई, अड़ा, ये भी अतिरिक्त व्यंजन है। याद रखिए, अणा, वा, डा को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें डा, वा, ढा के नीचे बिंदी लगाकर बनाते हैं। ये कभी किसी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, ये शुरू में नहीं आते हैं, ये शब्द बीच में आते हैं। अभ्यास कर। पहला, निम्न में से स्वर वर्ण छांटिए। यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या छांटना है, स्वर। यहाँ पर गोला लगाया गया है, ये क्या है, हमारे स्वर। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। कितनी है, 33। ख, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण भाषा। कौन सी है सबसे छोटी इकाई, वर्ण भाषा। गा, 33 व्यंजन व 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। घा, स्वरों की संख्या 13 होती है। तीसरा प्रश्न, चित्र देखकर उपयुक्त वर्ण को ढूंढकर भरिए। यहाँ पर चित्र दिए हैं, खाली जगह है, हमने यहाँ पे पहले से भर दिए हैं, तो यहाँ पे अनार का चित्र है तो छोटा आ, आम का चित्र है बड़ा, ईख बनी हुई है तो ई, बड़ी ई, ओखली बनी है तो ओ, इमली बनी है इमली, ई, ऊन बना है तो ऊ, यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से व्यंजन वर्ण छांटिए। अब यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों लिखे हुए हैं,
तो जो जहाँ पर ये गोला लगा हुआ है ये क्या है? व्यंजन।